रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पापुलेशन एजुकेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आज इस टॉपिक पर हमारा दूसरा लेक्चर है और इसका टॉपिक है द एम्स ऑफ पापुलेशन एजुकेशन। पापुलेशन एजुकेशन के कौन से एम्स हैं? इसमें फर्स्ट, पॉपुलेशन एजुकेशन एम्स एट असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हम जो स्टूडेंट्स को पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें फर्स्ट एम ये है ताकि स्टूडेंट्स को बढ़ती हुई आबादी के कॉन्सिक्वेंसेस और बैड इफ़ेक्ट्स का पता चले और वो उनमें अवेयरनेस आए और वो इस काबिल हों कि आबादी को कंट्रोल करने में पॉजिटिव रोल प्ले करें। सेकेंड एम, इट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हाउ डज पॉपुलेशन सिचुएशन इफेक्ट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी किस तरह से इफ़ेक्ट करती है इंडिविजुअल को और सोसाइटी को। एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसका पहनना, उड़ना, स्कूलिंग, रिहाइश, स्टेटस, लिविंग स्टाइल, ये सब किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। अगर अफराद ज़्यादा हों, अगर अफराद कम हों, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा और सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इसके बुरे असरात ना सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ पर आते हैं बल्कि पूरी सोसाइटी पर आते हैं। तो पॉपुलेशन एजुकेशन स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस देती है। थर्ड एम, इट एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग द काजेज ऑफ डेमोग्राफिक एंड टू एनेबल द पीपल टू मेक चेंजेस इन ऑर्डर टू रिमूव दोज ऑब्स्टेकल्स फॉर सोशल, जो हमारी सोशल लाइफ है, कम्युनिटी की लाइफ है। पॉपुलेशन एजुकेशन स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देगी कि सोशल लाइफ में वो कौन सी हर्डल्स हैं जो लिविंग स्टेटस को डाउन कर रही हैं, जो समाजी मसाइल का सबब बन रही हैं। गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज़ कम अफराद को प्रोवाइड करती है, अगर अफराद की तादाद ज़्यादा होगी तो यही सोशल फैसिलिटीज़ कम होंगी, कम पड़ जाएंगी आबादी के ज़्यादा होने की वजह से और ये गवर्नमेंट पर एक प्रेशर होगा। तो पॉपुलेशन एजुकेशन स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव लर्निंग देगी कि वो कंट्रोल, आबादी को कंट्रोल करें ताकि वो फ्यूचर में आने वाले इन मसाइल से बच सकें। नेक्स्ट एक एम है, इट इनेबल्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स and values necessary to understand the concept of population education. Students को enable करना कि वो population education के concept को पूरी तरह समझ सकें, उन्हें पता हो कि बढ़ती हुई आबादी world level पर एक कितना बड़ा issue है और इससे आने वाले वक्तों में अफराद फाकों तक पहुँच सकते हैं। आबादी के इस बढ़ते हुए सैलाब को स्टूडेंट्स कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे इसको फेस करेंगे, इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, एटीट्यूड और पॉजिटिविटी डेवलप करना। इसका लास्ट एम है, इट इनेबल्स द लर्नर टू टेक अ कॉन्शियस एंड राइट डिसीजन अबाउट द प्रिवेलिंग पॉपुलेशन सिचुएशन। इसमें भी वही बात रिपीट हो रही है कि जो पॉपुलेशन सिचुएशन वर्स हो गई है फैमिली लेवल पर, एक फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी में, कम्युनिटी लेवल पर, गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है और सहूलियात कम होती हैं, मुल्की सतह पर पूरा मुल्क डाउन होता है बढ़ती हुई आबादी से, और वर्ल्ड लेवल पर पूरी वर्ल्ड के हालात भी पॉपुलेशन सिचुएशन से ख़राब होते हैं। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनमें एक पॉजिटिव और कोऑपरेटिव बिहेवियर डेवलप कर सकेंगे। बीएड स्टूडेंट्स, ये तो आपके एम्स हो गए।
अब हमने देखना है कि पॉपुलेशन एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको जब हम बनाएंगे तो किन चीज़ों पर वो बेस करेगा। तो करिकुलम की जो बेसिस हैं ये फाइव एस्पेक्ट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इस पे बेस करता हुआ कैरिकुलम तश्कील दिया जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें बीएड स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड लेवल पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ की हिस्ट्री है उसको शामिल निसाब किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को पता चलता रहे कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, पहले कितनी थी फिर कितनी हो गई और अब फ्यूचर में इसके बढ़ने की स्पीड क्या है। और इसमें ख़ास तौर पर हर कंट्री जब ये करिकुलम बना रहा होगा तो वो अपने कंट्री का डाटा प्रोवाइड करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स को सारा डाटा इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड जो इसकी बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। इसमें बीएड स्टूडेंट्स जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के इफ़ेक्ट्स हैं इकोनॉमिक लाइफ पर, सोशल पर, कल्चरल पर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ पर और नेशनल लाइफ पर, दोनों पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको बाकायदा कैरिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। कंसेप्ट दिया जाएगा कि ये इकोनॉमिक है किसी कंट्री की, ये सोशल है, ये कल्चरल है और ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, और इस पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। थर्ड है बीएड स्टूडेंट सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, कि जो सोशल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के लिए कंटेंट इंक्लूड किया जाएगा कैरिकुलम में। तो इसमें फिर एक डेटाबेस नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिविजुअल, फैमिली लाइफ और स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इन पर बढ़ती हुई आबादी से कौन सा प्रेशर आ रहा है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसकी डिटेल्स होंगी, इसके लिए सुजेशंस होंगी और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगी। नंबर फोर्थ है हेल्थ न्यूट्रिशन एंड पॉपुलेशन। इसमें फिर रैपिडली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके इफ़ेक्ट्स का एक कंक्लूजन निसाब में शामिल किया जाएगा कि फिज़िकल एनवायरनमेंट, फूड, नेचुरल रिसोर्सेज और क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपैरिजन इसमें पेश किया जाए कि हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसमें कितनी कैपेसिटी है, अफराद कितने हैं, फूड कितनी है और रिसोर्सेज कितने हैं, फूड जनरेट करने के रिसोर्सेज कितने हैं और मैन मेड कितने हैं, नेचुरल कितने हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, इनका आपस में कंपैरिजन पर मबनी जो करिकुलम मटेरियल है वो शामिल किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को फुल कॉम्प्रिहेंशन हो सके कि सिचुएशन कितनी वर्स है। लास्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली लाइफ एंड पॉपुलेशन। इसमें बीएड स्टूडेंट्स जो मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा वो एक एलिमेंट्री सतह का नॉलेज होगा जो रिप्रोडक्शन के मैदान में जितना भी नॉलेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मेथड्स और कुछ सुजेशंस प्रेजेंट की जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स को पूरा शऊर आ सके, पूरा नॉलेज उनको हो और वो इस वर्ल्ड लेवल के मसले को समझ सकें और मेंटली प्रिपेयर हो सकें, ना सिर्फ अपने हाल को बेहतर बनाने के काबिल हों बल्कि फ्यूचर के लिए भी वो स्टेप ले सकें।